नो क्यों नहीं करनी भाई, सुंदर सुंदर हो जाओ नहाई करके। हाँ चलो फट जाएगा खाना, अरे नाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अरे बाद में भी तो हो सुना कोई बच्चों को, आ जा तो मेरे पास, आ जा तो यहाँ आ जा मेरे पास, आ जा मैं कुछ नहीं, आ जा चली जाओ। तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है एंड इट कॉल्स फॉर पकोड़ा एंड चाय, तो हम लोगों ने पकोड़े बनाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक क्विक, अगर आपका बेसन बच जाए थोड़ा सा पकोड़ों का तो आप क्या कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा बेसन बच गया है बर्तन में, तो ये बेसन है, इसको मैं थोड़ा सा पतला करूंगी और अभी मैं दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी है। ये रनी तो है, मतलब जो हम पकोड़ों की रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, इसको हमें पतला करना है। अरे वाइस कर रही हूँ, कोई बनाई चाहिए। एकदम काफी पतली वाली कंसिस्टेंसी करके हमको बेसन तैयार कर लेना है अपना, जो बचा हुआ बेसन है। अगर आप अलग से बूंदी बनाना चाहते हैं, ये है, हाँ बूंदी बना रहे हैं इस बेसन से, अगर आप अलग से बनाना चाहें तो आप अलग से भी ऐसे बना सकते हो। तो अब हमें ये वही कड़छी लेनी है जिससे हमने अपने पकोड़े बनाए हैं, और ये जो हमारा रनी सा एकदम बेसन हो गया है, इसको हमें गैस को हमको तेज पे ही रखना है और इसको हमें इसके अंदर ऐसे डालना है। और हमारी इसमें बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको हम रायते के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी खा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बूंदी बन गई है, जिसको हम रायते में यूज कर सकते हैं बचे हुए बेसन से। ये क्विकेस्ट हम बना सकते हैं ताकि हमारा बेसन भी वेस्ट ना हो और हमें ज्यादा तैयार बूंदी बनाने के लिए अलग से कोई तैयारी भी ना करनी पड़े। तो आप जब जब पकौड़ियां बनाए तब तक आप तब आप अपनी ये बूंदी बनाकर रख सकते हैं। आहा, बारिश के यही तो मजे हैं। मोटू पेट सड़क पे लेट, फट गया पेट। खा लो, तू खाए बिना दोबारा ले ले, जोर था मेरा। यहाँ ये क्या है यार, एक बुलवाओ यार पागलों की बहन को जरा घर। हाँ गरीबों को जाना उसमें ना। हाँ गरीबों को जाना। यार दिन भर लेटे लेटे तुम थकते नहीं क्या? थक जाऊं थकान उतारने के लिए दोबारा लौटना पड़े। और यहाँ पर मम्मी दिखा रही थी कि मैं दिन में कितनी ज्यादा कॉफी पीती हूँ। बस पूरा दिन हमारी तरह बेड पे वो सोता रहता।
भगवान जी इतनी बारिश बहुत है पूरे सर्दियों के मौसम के लिए, और मत करना बस। सुहाना मौसम हो गया है, ठंडी नहीं बढ़ी है अभी तक, बट अब प्लीज अब 4 दिन हो गए बारिश होते होते, अब और बारिश नहीं चाहिए हमको। वी आर हैप्पी इन दिस। काना ये क्या है, इसको वापस डालो इसमें, रखो वापस, वापस रखो भाई, इससे कोई फर्क नहीं। नीचे उतर, तुम नीचे उतर, नीचे उतर। टीथ चेक करो जिंजर के। टीथ चेक करो एक बार उसके कैसे हैं। ईयर चेक करो, आईज, टच नहीं करना उसको, गीला है अभी, दूर से चेक करो। क्या लॉजिक है नहाने का, मम्मी मकर संक्रांति पे नहाने का लॉजिक बताएगी, बताओ। जो नहीं नहाते का दे बनाया वे। टाइम लिमिट क्या हो नहाने की, कितने बजे तक नहाना हो? सुबह जल्दी उठ कर नहाओ, जल्दी जल्दी 9 बजे से पहले पहले। अच्छा, और अभी क्या लॉजिक दे रहे थे इन्हें? जो नहीं नहाते पूरे साल नहीं पड़े रहे बिना नहाओ। तो गधे कब बनेंगे, इसी जन्म में अगले जन्म में कब? अगले जन्म में। तो फिर अगले जन्म में नहीं नहाना पड़ेगा भाई, कहावत है बड़े बुड्ढों। हाँ तो गधे जो सुनते आ रहे, बड़े बुड्ढे बताते आ रहे अपने, तो वही कहावत है। आपको क्या लगता है क्यों क्यों करा होगा ये रूल नहाने का? पहली औरत नहाती नहीं होगी आदमी, इसलिए औरत औरत सबसे पहले। नहीं आदमी भी बताए ना, औरत आदमी मतलब पहले बच्चे सब नहाते नहीं होंगे, इसलिए बनाई होगी ये कहावत। एग्जैक्टली फिर तो कुछ भी बना दो, जो कुछ भी नहीं करते, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उन्हें कह दो भाई जो पढ़ते नहीं वे अगले साल वे बनेंगे डायनासोर। अगले नहीं नहीं डायनासोर बनेंगे। नहीं नहीं बस तो पर पहले पढ़ाई नहीं थी ना, कहावत सुनो बाबू अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो अगले जन्म में ना भालू बनोगे, ये तो खुश हो जाएगा। पढ़ाई करेगा ना नाराज हो जाएगा। अच्छा सुनो मैं क्या कह रही हूँ, पहले पढ़ाई थी भी तो नहीं ना, इसलिए कहावतें बन जाती थी। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू यू गाइज, मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ टू यू गाइज। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।